इन्होंने सारा से सारा धांधली की है। तो जो है अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान है उसको पता चलेगा यार इंडिया के बड़े को क्या रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है ना इन्होंने सर यहाँ उन्होंने कहा पहले मैं तस्वीर खींच लूँ। आपको पता है कि 240 का टारगेट इन्होंने दिया था इंडिया वालों ने, इतना कम टारगेट दिया है और हार के क्या कहना चाहेंगे? जारी सी बात, उनका हारना बनता है। जितनी उन्होंने खराबियाँ की हैं अपने वर्ल्ड कप में सारे में, सबके साथ चीट किया हुआ है, तो मेरा ख्याल उनका हारना बनता है। हमारे मीडिया पे, हमारी हर जगह पे ये सुनने को मिल रहा था कि इंडिया ने आईसीसी को खरीद लिया है, इंडिया ने पूरी दुनिया की टीमें खरीद ली हुई हैं। वर्ल्ड कप डिजाइन ही इंडिया के लिए। जी हाँ, और ये तो पहले सिग्नेचर हो चुके हुए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। ठीक है, आज वो सब लोग गलत हो गए हैं। इंडिया के हारने पे आप खुश हैं या दुख है, क्या तसल्ली? नहीं, एज अ पाकिस्तानी हम यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीते क्योंकि वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप के फाइनल में भारत को हरा दिया है। उसने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 19 नवंबर को खिताबी मुकाबले में 6 विकेट से जीत खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विश्व विजेता बना है। वहीं भारत का 3री बार ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। उसने टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते लेकिन 11वें मुकाबले में टीम पिछड़ गई। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की ये रिएक्शन वीडियो। आपने तो कहा था इंडिया जीतेगा। देखिए, मैंने बिल्कुल कहा था, मेरे दिल की धड़कने चीज की आवाज दे रही थी। समटाइम हो जाता है, इंसान गलत भी हो जाता है, मैं गलत हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप पूछें कि इंडिया ये मैच हार सकता था? इंडिया कभी भी मैच नहीं हार सकता। देखिए, समटाइम एक दिन होता है, पिछले लगातार कंटिन्यू इंडिया मैच जीता है। अगर उसका दिन नहीं था वो मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया भी कोई छोटी टीम नहीं थी सर, 5 वर्ल्ड कप उसने जीते हुए हैं। हमारे मीडिया पे, हमारी हर जगह पे ये सुनने को मिल रहा था कि इंडिया ने आईसीसी को खरीद लिया है, इंडिया ने पूरी दुनिया की टीमें खरीद ली हुई हैं। वर्ल्ड कप डिजाइन ही इंडिया के लिए। जी हाँ, और ये तो पहले सिग्नेचर हो चुके हुए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है। आज वो सब लोग गलत हो गए हैं। देखिए, आबिद अली तो गलत हुआ है, लेकिन वो सब लोग भी गलत हो गए जिन्होंने पहले ये चीजें कही थी कि इंडिया तो खरीद चुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया, देखे वो दोनों तरफ से जीने नहीं देते लोग। आज इंडिया मैच हार गया है, अब पूरी दुनिया पता है क्या कह रही है कि इंडिया बिक गया है। पहले वो इंडिया खरीद रहा था, अब इंडिया बिक गया है। ठीक है, तो ये फजूल बातें हैं, ये बकवास है। अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? टीम ही है ना। लेकिन भाईजान, इन्होंने तो सर पे उठाया था इंडिया 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 पहले मैच से ही। इंडिया के हारने पे आप खुश हैं या दुख है, क्या तसल्ली? नहीं, एज अ पाकिस्तानी हम यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीते क्योंकि वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया के बहुत सी कंट्रोवर्सीज आई हैं, जैसे टॉस से रिलेटेड। ये मैंने भी काफी वीडियोस वगैरह देखे हैं। ऑलमोस्ट हर मैच में जैसे नॉर्मली एक स्पेस होती है, वहीं पे कॉइन फ्लिप करना होता है, तो जो रोहित शर्मा है वो हर मैच में वो ऐसे फ्लिप करते हैं कि वो जो ऑब्वियसली वो जो स्पेसिफिक जगह होती है ना उससे हटके जाता है। पिछले दिनों इन्होंने ना आईसीसी वालों से पूछे बगैर कुछ पिचेस भी चेंज किए हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें की हैं कि जो कि अपने अपनी ग्राउंड सेट कर रहे हैं, जिस वजह से तो इंडिया को तो हारना ही चाहिए। आपको पता है कि 240 का टारगेट इन्होंने दिया था इंडिया वालों ने, इतना कम टारगेट दिया है और हार के क्या कहना चाहेंगे? जारी सी बात, उनका हारना बनता है। जितनी उन्होंने खराबियां की हैं अपने वर्ल्ड कप में सारे में, सबके साथ चीट किया हुआ है, तो मेरा ख्याल उनका हारना बनता है। आप कितने खुश हैं इंडिया की इस हार पे? नहीं, इतना तो खैर मैं दुखी है। मुझे कौन सा पैसे देने हैं हार जीतने पे? दुखी नहीं, नो डाउट। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया हारे, उन्होंने अपने मुल्क में उनके वर्ल्ड कप हो रहा था, उन्होंने बहुत इस तरह की चीज़ें की हैं कि अगली टीम को उससे नुकसान हुआ है। सम मैचेस में उन्होंने पिचेस चेंज की हैं और उसके बाद मतलब इस तरह से ग्राउंड अपनी सेट की है कि आप वो एक मैच भी नहीं हारे। इस तरह कैसे हो सकता है कि आप, क्या पता परफॉर्मेंस अच्छी हो यार। जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ ना, इन्होंने जो मैच दो इन्होंने करना है 5वीं विकेट पे, ठीक है, इन्होंने करवाया 7वीं विकेट पे। इन्होंने सारा से सारा धांधली की है। तो जो है अब जो ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान है उसको पता चलेगा यार इंडिया के बड़े को क्या रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है ना इन्होंने सर यहाँ उन्होंने कहा पहले मैं तस्वीर खींच लूँ, ये ना कल के मैच में ये पिच चेंज कर लें। ये आज जो है ना बेसिकली इनके मतलब पिच नहीं थी, अगर इनके मतलब पिच होती है 400 स्कोर भी करते थे। लाइक इंडिया जिस तरीके से खेला, 10 में से 10 मैच जीत गया हुआ था, उम्मीद तो यही थी कि इंडिया इजिली जीत जाएगा। लाइक उनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत फॉर्म में थी, पर खैर बैड लक, किस्मत जिसका साथ दे जाए। इंडिया ने पूरे जी जान लगाए खेला, जब इंडिया के 3 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, यही लग रहा था कि शायद 100-150 पे इंडिया पकड़ लेगा, शमी फिर से वही फॉर्म में आएगा, बुमराह भी क्रिस लेगा, पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया वालों ने माइंड गेम खेला है, सिक्स लगाए नहीं है, सिंगल डबल किए हैं, चौके छक्के लगाए हैं, इसी तरह चेता लाइक
एक अच्छी गेम देखने को मिली हमें इंडिया की तरफ से। हम ये आप भूल जाएं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, हारा है। इंडिया एक तरह से वर्ल्ड कप जीत गया हुआ है अपने मुल्क के अंदर, जैसे जैसे वो टीमों को हराता रहा है यार, अमेजिंग यार। अफसोस हुआ कि हार गया इंडिया, 10 मैच जीतने के बाद एक मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कोई मसला नहीं, आई लव इंडिया, आई लव विराट, आई लव भाभी अनुष्का, कोई नहीं, सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, मोहम्मद शमी भी अच्छा खेले, कोई मसला नहीं, तुम जीतो यारो, हमको तुमसे प्यार है। फिर भी आप हमें तो ये आदत है, हम पाकिस्तान को कहते रहते हैं जीतो या हारो, तो हमारी टीम भी हारती रहती है, हम अपनी टीम को भी कहते रहते हैं तुम जीतो या हारो, हमको तुमसे प्यार। जो भी है अच्छा खेली है, ठीक है ना, उन्होंने दो मैच हारने के बाद फाइनल में जगह बनाई, बट इंडिया ने अपने थ्रू आउट 10 के 10 मैच जैसे विन किए थे ना, एक्सेप्ट यही था, हमें यकीन था कि इंडिया आज का भी मैच जीतेगा, बट ये है कि उनके उनके थोड़ी सी आज बॉलिंग ने ना आज साथ नहीं दिया, ठीक है ना, ना बैटिंग ने साथ दिया, जिस वजह से आज इंडिया को ये इतनी बड़ी शिकस्त देनी पड़ी। आप बिलीव करें 1,20,000 के क्राउड में, इतने बड़े क्राउड में इंडिया अगर हार गया ना, आप बिलीव करें हम लोग एज अ पाकिस्तानी, जितने बड़े हम लोग इंडिया के फैन है ना, इंडिया टीम के फैन है, यकीन माने हम लोग अपनी पाकिस्तान टीम को इतना सपोर्ट नहीं किया। असल भाई ये ना पूरे पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ है, जो कहते थे कि इंडिया मैच फिक्स करते हैं, आज इंडिया मैच हार रहा है। एक्जेक्टली ये बात फिक्स होता तो इंडिया मैच जीत ना जाता। मुझे तो यही था कि वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में आएगा, क्योंकि उन जैसी परफॉर्मेंस आज तक अभी किसी ने नहीं ना देखी और ना की है। जिस तरह से उन्होंने 1-1 10 मैचेस जीते और अच्छे स्कोर से, उन्होंने उसमें भी एक लेवल मेंटेन किया और स्टैंडर्ड बड़े स्टैंडर्ड। और तुम्हें पता ही है कि नंबर 1 पे कौन आता है, विराट कोहली आता है, नंबर 2 पे रोहित शर्मा आता है। रोहित शर्मा की विकेट ने आपको फिर खड़े ही नहीं होने दिया, फिर आप कहीं भी वो गेम ला ही नहीं सके, आप सारी गेम के कैचिंग खेलते गए। यस 47 पे 3 आपने आउट जरूर कर लिए, और कल देखें लेडी लक वाज स्माइलिंग एट यू, कि इतना बच रहा था, बचता गया और उसके बाद तो उसने मौका ही नहीं दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।